विज्ञान या फिर एम्ब्रायोलॉजी माने गर्भ में मानव जीव के वैज्ञानिक अध्ययन, एकर अनुसार ई बतावल जाला कि भ्रूण विज्ञान पर सबसे प्राचीनतम माने कि पुरान का शोध वैज्ञानिक अरिस्टोटल साल 384 से 322 ईसा पूर्व में कर लेना। महाभारत और श्रीमद भागवत पुराण में तो 5561 ईसा पूर्व में भ्रूण से जुड़ल बहुत वैज्ञानिक बात लिखल गल बाती। सबको के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। आज हमनी बात करब स भ्रूण विज्ञान और गर्भ उपनिषद के बारे में। वास्तव में एगो फिटस माने कि भ्रूण एगो माँ के गर्भ में कैसे डिवेलप होवेला, आज यही पर हमनी बात करब। गर्भ उपनिषद एगो ऐसन पाठ बाते जे जन्म के बाद मानव भ्रूण और मनुष्य के दैह के गठन और विकास के सिद्धांत से जुड़ल चिकित्सा और शरीर विज्ञान के विषय पर बात होवेला। ई उपनिषद में दैह के अलग अलग तत्व और उनकर खास अंग के बारे में बतावल गल बाते। एकर संगे कैसे एगो माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास होवेला, एकर वर्णन बहुत ही विस्तार से करल गल बाते। का गर्भ उपनिषद में वैज्ञानिक बात और वैज्ञानिक तत्व बाते, का इमें जुन जुन अध्ययन करल गल बाते, का उस सब हमनी के बायोलॉजी के विषय के वेस्टर्न पुस्तक में बाते, ई सब सवाल के जवाब देख बस गर्भ उपनिषद में। ई बहुते आश्चर्य की बात है कि पुरनका ऋषि मुनि उ लोग विज्ञान विषय पर बहुत कुछ लिखले रहलन जा। इमें मनुष्य के दैह के विकास प्रमुख बाती। ई सदी के गर्भोपनिषद बोलल गलबा। गर्भ उपनिषद में जीन्स, उनकर विकास और एगो छोटका लैका के मानसिक और शारीरिक दशा के बारे में बतावल गलबा। गर्भ उपनिषद उ 35 सामान्य उपनिषद में से एक बा जेकरा कृष्ण यजुर्वेद भी बोलल जाला। ई उपनिषद के अंतिम श्लोक ऋषि पिपलाद के प्रति आभार प्रकट करल गलबाती। आधुनिक विज्ञान से पहले हमनी के पुरनका ऋषि मुनि लोग गर्भ से जुड़ल खास बात आर ओकर थ्योरी के बखान ई सब करले हवन स। पिपलाद ऋषि एगो वैदिक दार्शनिक रहलन, जहां परी उ लिखलन प्रश्न उपनिषद। गर्भ उपनिषद 4 भाग से शुरू हो रहल, ओकर ढांचा और लिपि के बल पर सब विस्तार के संगे लिखल गर रहल। इमें ऐसन प्रश्न रहल, मनुष्य के दैह कुंची है, कैसे मनुष्य के भ्रूण शुरू होवेला, कैसे मनुष्य के भ्रूण विकसित होवेला और मनुष्य के भ्रूण कुंची जानेला। अब इस सब प्रश्न के जवाब जब मिलते गल तो अपन मने मनुष्य के एनाटोमी माने शरीर रचना के बारे में बतियावल गल। पॉल ड्यूसन जर्मन के एगो प्रोफेसर रहलन, जे हिंदुइज्म के एगो बड़का प्रशंसक भी रहल। उ ई उपनिषद पर शोध करलन और बोलन कि एगो मनुष्य के 4 गो स्कल बोन्स बाती, एक एक हड्डी में एगो सॉकेट बाती। एकर संगे उ ई भी बोलन कि एगो आदमी के दैह में 107 जोर माने कि जॉइंट्स बाती, 360 गो हड्डी बाते और 500 गो मसल माने कि मांसपेशी बाती, 700 नस माने कि वेन्स बाते, 900 सिन्यूज, 45,000 गो बाल बाती। एकर बाद मनुष्य के शरीर के मेटाबॉलिज्म माने पाचन प्रणाली पर भी बात करल गल बाती। बकिर कई गो बड़ी समय ऐसन लेख बिला गल बाती और जोन बचल कुचल बाते उ दिन ब दिन खराब होते जाता। गर्भ उपनिषद में ई बतावल गल बाते कि एगो इंसान के दैह 5 गो तत्व से बनल बाते। एगो दैह में जोन चीज मजबूत बाते उ धरती से बनल बा, जोन चीज तरल बाते उ पानी के ह, जोन चीज गरम बाते उ आग से बनल बा। हमनी के दैह में जोन चीज चलेला उ हवा के सांस के सार से निकलेला। शरीर में जोन खोखला बाते उ अंतरिक्ष के सार से होवेला। त दैह के शक्ति देवे खातिर एगो व्यक्ति के खाए के चाही,
निमन से पानी पिए के चाही, हवा ले के चाही। मनुष्य के पांच गो इंद्रिया बाते, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक। मनुष्य के दें अपन जीवन में अस्तित्व के छह गो चरण से गुजरेला, माने भ्रूण, जन्म, विकास माने की डेवलपमेंट, परिपक्वता माने की मैच्योरिटी, क्षय और अंतिम बाते मृत्यु। छह गो स्टेज ऑफ लाइफ के चक्र बोलीला सा माने की एगो पहिया नियन। गर्भ उपनिषद महर्षि पिप्पलाद के बगल से रचना करल गा रहल। इमे छोटका लैका के गर्भ यात्रा के मनोरम वर्णन बाती। श्री रामचंद्र जी हनुमान के मुक्ति खातिर जोन धर्म ग्रंथ पढ़े के बोलन, इमे गर्भ उपनिषद भी मुख्य रहल। वास्तव में माँ के पेट में एगो छोटका भ्रूण या फिर लैका कौन ची सोचेला, आज के साइंस में जोन चीज हमनी के बतावेला उ त हजार बरिस से अगारीवे हमनी के ऋषि मुनि लोग बोल देले हवन सा। गर्भ उपनिषद के 11वें श्लोक में महर्षि पिप्पलाद बतावेलन, जिए खातिर भ्रूण के पांच गो तत्व माने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से संपन्न होवेला। उनकर पांच गो इंद्रिया माने गंध, रस, स्वाद आदि सब पहचावे के सफल हो जाला। उकर कपार के अखिल भी विकसित हो जाला। उकर माँ से खाली जोन खाई मिलेला उही से उकरा जस्ती शक्ति मिलेला। बकेर इही बखत में उ अपन पछला जन्म के बारे में भी सोचेला आर गल जन्म में उकर देने से करल धरल काम और कर्म के बारे में सोचेला। महर्षि पिप्पलाद के अनुसार भ्रूण ई सोचेला उ हजार बार जन्म लेलक। उ ई भी सोचेला कि पूर्व जन्म में जोन जोन आदमी या प्राणी के ठोस पहुंचेलन उस सब के अब माफी मांगी। आगे भ्रूण ई सोचेला कि जब उ गर्भ से बाहर आए तब उ जीवन में सांख्य और योग अनुशासन के पालन करी। जब उ बाहर निकली तब उ महेश्वरी के अनुसरण करी, नारायण और सृष्टि के पिता के भी अनुसरण करी। साथ ही उ सनातन ब्रह्म के शरण में जाए जे बुराई के नाश करेला और परम मोक्ष के फल प्रदान करेला। मनुष्य के देह में सात गो रंग घटक बाती। गर्भ उपनिषद के अनुसार इमे सफेद माने की उजर, लाल, अपारदर्शी माने धुंधला, धुएं के रंग बाती, पियर, भूरा माने की ग्रे और पियर रंग के एगो दूसर शेद। भोजन के रस से उजर रंग मिलेला और एकर संग ही लाल रंग विकसित होवेला। खून से मांसपेशी माने की मसल्स डेवलप होवेला, तब मांसपेशी से वसा माने की फैट के रचना होवेला जो कि धुएं के रंग के है। तब वसा से हमनी के हड्डी विकसित होवेला माने की पियर रंग की। तब हड्डी के भीतरे मज्जा विकसित होवेला माने ग्रे कलर की और मज्जा से वीर्य विकसित होवेला माने पियर रंग की। पुरुष के वीर्य और महिला के शोणिता के मिलान से मानव भ्रूण के विकास होवेला। ये सब बात गर्भ उपनिषद में पतावल गल बाते। फर्टिलाइजेशन के बाद एगो भ्रूण के विकास प्रक्रिया माने डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन फिटस कैसे होवेला, गर्भ उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद ई बोलन। एक रात्रो शीतम कलिलम भवती माने एकवे रात में एगो सूक्ष्म गांठ पैदा होवेला। स्त्री और पुरुष के मिलान के 24 घंटा बाद ई गांठ एगो रूप लेवेला। ई गांठ स्त्री माने माँ के पेट में धारण होवेला। एकर बाद आवट स्टेप है सप्तरात्रो शीतन बुद्बुदन भवती माने रात के बाद एगो बुलबुला रूप धारण होवेला। अब है ये गांठ एगो बुलबुला के रूप में विकसित होगल बाती। एकर बाद अर्धमासा भयंतरेन पिंडो भवती
कंसेप्शन के 15 दिन के बाद अब ई भ्रूण हाड़ मांस का रूप धारण करेला। एकर बाद मास भयंतरेन कठिनो भवती, माने एक महीना में ई भ्रूण अब कठोर माने मजबूत हो गल बाती, ओकर ढांचा भी पक्का हो गल बाती। एकर बाद मासद वयेन शिरह संपदयति, माने 2 महीना में भ्रूण के कपार अब विकसित होवता। तत्पश्चात मासत्रयेन पाद प्रवेशो भवति, माने 3 महीना के बाद उ लैका के गोर और हाथ उंगली सब सामने आवेला। चतुर्थ मासे जठर कठी प्रदेशो भवति, उंगली पेट और हिप्स सामने लोकेला। एकर बाद पंचमे मासे पृष्ठ वंशो भवति, 5वां महीना में ओकर कुलुन व्यतिभाल माने की रीढ़ के हड्डी विकसित होवेला। तत्पश्चात षष्ठे मासे मुख नासिका क्षी श्रोत्राणि भवन्ति, माने की मुंह नाक कान ई सब 6ठा महीना में विकसित होवेला। एकर बाद 7वें मासे जीवेन संयुक्तो भवति, माने की अभ्रूण में जीव माने की आत्मा के संयोग होवेला। एकर बाद 8वें मासे सर्व संपूर्णो भवति, 8वें महीना में ऐते ऐते पूरा शरीर विकसित हो जाला। 9वें सर्व लक्षण संपूर्णो भवति, माने की गर्भवती के 9वां महीना में भ्रूण में सब ताकत माने की एबिलिटीज विकसित हो जाला। ई रहल भ्रूण के संपूर्ण विकास प्रक्रिया। गर्भ उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद के बगल से ई प्रक्रिया के पूरा ब्योरा देवल गर रहल। गर्भ उपनिषद में मानव जीवन के शुरुआत माने कैसे एगो भ्रूण एगो मनुष्य के रूप में धारण करेला, एकर पूरा वैज्ञानिक अध्ययन मिलेला हमने के 4 गो वेद एगो विज्ञान नियन बाती। जुन जुन ऋषि हवन जा उलोग वैज्ञानिक हवन जा। अगर आप वेद और उपनिषद पढ़बस तब जनबस कि हिंदू संस्कृति कितना विराट रईस संपन्न और वैज्ञानिक बाती। तैकरवे संगे हमनी के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम समान भल आवत सप्ताह एगो ऐसन ज्ञान वर्धक विषय लेके आवब सा तबले अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।